प्रिय विद्यार्थियों, अस्सलाम वालेकुम। इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी छठी कक्षा हिंदी से जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्या तुम जानते हो। बच्चों, इस पाठ में कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्न दिए गए हैं। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और उसके उत्तर मालूम करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर शौक पैदा हो और आप भी केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर जाकर बैठ जाए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और इसका सही जवाब है तक्षशिला। जी हाँ, और ये गर्व की बात है कि ये विश्वविद्यालय हमारे देश भारत में 700 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था, जहाँ दुनिया भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों, इसका सही जवाब है 8 मार्च। जी हाँ, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है, विश्व का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। जी हाँ, अमेजिंग, हैरत अंगेज, अद्भुत। ये अपने आकार और अपने वजन और अपने खाने की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जीव कहलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी हाइट तकरीबन 30 मीटर होती है और इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 180 टन हो सकता है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। जी हाँ, ये समंदरी मछली जिसका नाम है ब्लू व्हेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं। और इसका सही उत्तर है शुक्र। जी हाँ, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ये सूर्यमाला में दूसरे नंबर का ग्रह है, जिसे अंग्रेजी में वीनस और उर्दू में जोहरा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। इसका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय इलाहाबाद में माना जाता है, जिस शहर का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इलाहाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और आखिरी प्रश्न है इसका कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर बनाई जाने वाली सड़क का नाम क्या है, वो कौन सी सड़क है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है उमलिंगला। जी हाँ, उमलिंगला वो सड़क है जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर बनाई जाने वाली सड़क है। और ये हमारे भारत देश के एक राज्य जम्मू कश्मीर का एक शहर है लद्दाख, जहाँ ये सड़क बनाई गई है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उन्हें देखिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और उसके जवाब मालूम करने की कोशिश कीजिए।